जय हिंद, गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ। आरंभ सीरीज में आप सबका स्वागत है एंड आरंभ सीरीज 2.0 में आज हम करने वाले हैं इकोनॉमी के लेक्चर को कंडक्ट। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस, वो वाला टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे। आई होप मेरी आवाज जो है आप लोगों तक पहुंच रही है। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सादर नमस्कार सभी लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप आप लोगों ने पिछले जो आरंभ सीरीज के लेक्चर्स हैं उनको आपने एक बार देख लिया है, उनको आप एक बार गो थ्रू जो है कर चुके हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। आपकी सीबीएसई एनसीईआरटी जो हैं और साथ ही साथ जो तमिलनाडु बोर्ड की किताबें हैं उनको हम इंटीग्रेट करके कवर कर रहे हैं। एंड ऐसा कोर्स शायद पहले आप लोगों ने नहीं देखा होगा, जो एक यूएसपी है इस पर्टिकुलर कोर्स का, आरंभ 2.0 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड की जो है हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कोटेशन है यहाँ पे, बहुत ही उम्दा रूप से कहा गया है कि इकोनॉमीज आर लिंक्ड इंटरनेशनली थ्रू ट्रेड इन गुड्स एंड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स। देखिए इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं और उनकी इकोनॉमीज हैं उनके बीच में देर आर इंटरलिंकेजेस इंटरनेशनली, कि वो जो है कोई भी देश या कोई भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। हर एक कंट्री की जो इकोनॉमी है वो दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है जुड़ी हुई है, लिंक्ड है। और जब वो इंटरलिंकेज की हम बात करें तो उसमें मेन जो आपका इंटरलिंकेज है दैट इज थ्रू ट्रेड इन गुड्स, यानी कि मर्चेंडाइज में ट्रेड, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स की भी इंटरलिंकेज है। फाइनेंशियल मार्केट्स की इंटरलिंकेज का मतलब ये हो गया कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, कि इन्वेस्टमेंट जो है, पैसा जो है उसका भी फ्लो होता है अंतरराष्ट्रीय या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच में, दैट इज द फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर, कि एक इकोनॉमी से दूसरे इकोनॉमी कैपिटल का जो फ्लो है उसके थ्रू भी इंटरलिंकेजेस हैं अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमीज के बीच में, जिस चीज को यहां पे ये फिशर की कोटेशन जो है वो कैप्चर कर रही है, डॉन बुश की और फिशर की। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए हमें एक और चीज जो समझनी है जो हमारे लिए आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमेना हुआ है उसके बाद से स्पेशली इंडियन इकोनॉमी की डिपेंडेंस, या कह लो इंडियन इकोनॉमी को जो इन्फ्लुएंस करती हैं वर्ल्ड की इकोनॉमीज, उसमें भी बढ़ावा हुआ है, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं जो बहुत अलग अलग तरीके की भी हो सकती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की भी हैं, जैसे हमारे पास चाइना भी है, जैसे हमारे पास रशिया भी है, हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, जो सारे कंट्रीज ग्लोबली अपनी अपनी इकोनॉमीज के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एलपीजी होने के बाद स्पेशली इन द ईयर 1990-91 जब हमने एलपीजी या फिर कह लीजिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लिए, उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बाद से खास तौर पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो महत्वता है या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो सिग्निफिकेंस है हमारे कंटेक्स्ट में, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई। इंक्रीज इसलिए कर गई क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी, बाहर की अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे देशों की इकोनॉमीज के अंदर क्या चल रहा है उसका साफ साफ सीधा सीधा असर जो है वो दिखने को हमें मिलेगा। तो इसलिए ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने कई सवाल जो है प्रीलिम्स में पूछ रखे हैं, कई सवाल जो है वो मेंस में भी पूछ रखे हैं, एंड आज की डेट में भी ये आपका टॉपिक जो है अच्छी खासी रेलेवेंस रखता है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इससे हम क्या समझते हैं, क्या मतलब है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो देखिए कई सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो है इस टर्म या फिर इस फ्रेज को पॉपुलैरिटी गेन होने को मिली, जैसे कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, डब्ल्यू टॉसिग, हेबरलर, जिनकी यहाँ पे आप तस्वीर भी देख सकते हो, जीएस मिल एंड बिला बिलासा, दे शेप द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। क्या करा इन्होंने कि जब हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं अमेरिका के साथ साथ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का आपस में इंटरलिंक ट्रेड के टर्म्स में जो है बढ़ना शुरू हुआ,
सिंपल थ्योरी थी इंटरनेशनल ट्रेड की कि किसी के पास अगर कुछ सामान है वो बेहतर बना सकता है तो दूसरे इकोनॉमी को वहां से खरीदने में क्या हर्ज होना चाहिए? कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पे आपके पास एक सहूलियत जो है वो पैदा होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये इवॉल्व कहां से हो रहा है? सिंपल एक थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की, जिसको फॉर्मुलेट किया गया कुछ बेसिक सवालों के जवाब ढूंढते हुए। और ओरिजिनेट कहां हुआ? पहली दफा यदि बात की जाए तो आपका जो वेस्टर्न यूरोप वाला पार्ट है। और किस वजह से? फॉरेन ट्रेड के बढ़ते हुए इंपॉर्टेंस की वजह से। फॉरेन ट्रेड की बढ़ती हुई इंपॉर्टेंस मैंने तुम्हें बताया क्यों? क्योंकि अगर तुम देखते हो यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट को, यूरोप को एक अगर कॉन्टिनेंट की तरह देखो, तो कई सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए, और ये देश जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होने लगे। क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, इसीलिए यहाँ पे यूरोप में फॉरेन ट्रेड की महत्वता जो है वो काफी बढ़ने लगी कि जिस देश के पास जो चीज बेहतर है उससे वो ले ली जाए, बदले में जो आपके पास बेहतर है वो सामने वाले देश को आप प्रदान कर दें या फिर आपस में अदला बदली कर लें, जिसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं कि वो प्रसिद्ध होना शुरू हो रहा है दुनिया भर में। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है? वेस्टर्न यूरोप में। फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को, तो ये पूरी की पूरी रेंज को कवर कर रहा है ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के। जो भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय हमारे पास संबंध देखने को मिल रहे हैं वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतरराष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसका हिस्सा है, उसका पार्ट है। तो यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेड की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल हम ट्रेड की बात कर रहे हैं, चाहे हम गुड्स को देख लें, चाहे हम सर्विसेज को देख लें, साथ ही साथ हम कैपिटल फ्लोज को देख लें, टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को देख लें। आज भी आपको देखने को मिलता है कि हम लोग बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से मंगाते हैं? जापान से मंगा रहे हैं, या फिर हम अमेरिका से मंगा रहे हैं, या फिर हम कुछ चीजें जो है वो इसराइल से ले रहे हैं। तो इट कैन बी टेक्नोलॉजी ऑल्सो, है ना। साथ ही साथ रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट करेंसीज के, मान लीजिए डॉलर और रुपए का आपस में एक्सचेंज रेट क्या होगा? क्योंकि यदि आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है डील कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आपके हाथ में, आपके पास जो है अंतरराष्ट्रीय जो मुद्राएं हैं, अंतरराष्ट्रीय जो करेंसीज हैं, वो भी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब यदि देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका पार्ट क्यों है, इसका हिस्सा क्यों है? क्योंकि जब आप इंटरनेशनल इकोनॉमीज में या इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं गुड्स में, ट्रेड कर रहे हैं सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी में, कैपिटल का इनफ्लो आउटफ्लो जो है वो देखने को मिल रहा है, तो उसका फिर कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी रखा जाएगा कि कितना जो है पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स जा रही हैं, कितना आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, कितना आप सर्विसेज में ट्रेड कर रहे हैं। तो उस सब का लेखा जोखा जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर। साथ ही साथ इश्यूज रिलेटिंग विद टैरिफ प्रोटेक्शन, फ्री ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज, रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज परस्यूड बाय इंडिविजुअल कंट्रीज। अब आप सोच सकते हो कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी तो हमें पढ़ना है, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे जो दिक्कत या कह लीजिए जिस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है अलग अलग कंट्रीज की जो मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी है, उसका असर हम पे भी पड़ता है। कि अगर मान लीजिए अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, दैट इज द फेडरल रिजर्व, अगर यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, यूएस फेडरल रिजर्व ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत अपने एक्सचेंज रेट्स को, या फिर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, सॉरी एक्सचेंज रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, या फिर कह लीजिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे भी उसका असर पड़ता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये सभी चीजें जो है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कंसर्न है, ये सभी की सभी चीजें किसी ना किसी तरीके से हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उन सबके ऊपर अपना इम्पैक्ट, अपनी इन्फ्लुएंस जो है वो, अपनी छाप जो है किसी ना किसी तरीके से छोड़ के जरूर जा रही है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए जो हमने अपना एग्जाम्पल दिया कि अगर ये फेडरल रिजर्व जो है यूएस का ये इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने लग जाए, तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया
डॉलर लोग बाहर लेके जा रहे हैं वापस अमेरिका के अंदर, और यहाँ पे डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी, और आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है यानी कि रुपया डॉलर के मुकाबले आपको देखेगा कि गिरना शुरू हो चुका है। कि यदि डॉलर अब आपको पहले 1 डॉलर जो है वो 70 रुपए का मिल रहा था, अब आपको 1 डॉलर शायद 75 या 80 रुपए का मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसी और देश के सेंट्रल बैंक ने अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, और लोग अब वहां पे ज्यादा ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, उनकी ज्यादा रुचि है, क्योंकि उनको ज्यादा प्रॉफिट्स वहां कमाने को मिलेंगे कि वो यहां से निकाल के अपनी पैसे अपने इन्वेस्टमेंट को वापस ले जाए अमेरिका में, और इस वजह से आपका जो रुपया है वो लुढ़कना शुरू हो जाएगा बनाम डॉलर। तो ये ऐसी हमारे सामने देखिए चैलेंजेस या फिर चुनौतियां रहती हैं, कि यदि आपकी इंटरलिंकेज है तो उसमें फायदे भी हैं लेकिन उसमें चुनौतियां भी हैं, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी। तो ये पूरा कंसर्न है किसका? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, कि इट स्टडीज द एंटायर रेंज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ ट्रेड इन गुड्स। बिल्कुल, माल सामान में तो हम व्यापार कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सेवाओं में भी, सर्विसेज में भी। कैसे कर रहे हैं सर्विसेज में? देखिए, यहाँ पे गुरुग्राम में या फिर बेंगलुरु में बैठ के बहुत सारी आईटी कंपनीज जो हैं वो अमेरिकन क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो सारा का सारा किसमें इन्वॉल्व है? वो सारा का सारा इन्वॉल्व है इन ट्रेड ऑफ सर्विसेज, के सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जा रही हैं, खास तौर से इंटरनेट के आने के बाद, जब से इंटरनेट का इजाद हुआ है, और हाई स्पीड इंटरनेट। तो हाई स्पीड इंटरनेट के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप सेवाएं जो हैं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों वहां से आप अपनी सेवाएं जो हैं वो प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप इस वक्त इस माध्यम से इंटरनेट के थ्रू शायद आप किसी भी कोने में बैठे हों देश के, लेकिन आप इस लेक्चर को जो है लाइव ब्रॉडकास्ट होते हुए देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, है ना? तो ये सब कुछ जो है सर्विसेज का हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। कैपिटल फ्लो मैंने आपको एक्सचेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रेट ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बाकी सारी चीजें किसका कंसर्न है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का। फिर इसके साथ देखिए मीनिंग की जब बात की जाएगी तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जिसका इंटरेस्ट या फिर जिसका कंसर्न किसके साथ है? इसका कंसर्न है कि कई अलग अलग कंट्रीज के बीच में, मान लीजिए एक तरफ इंडिया, इधर यूएसए, साथ में हो सकता है मान लीजिए यूके, साथ में हो सकता है मान लीजिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कि हम लोग जो है यूके के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, चाइना के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, यूएसए के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, किसी और कंट्री फ्रांस के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, जर्मनी के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं, एंड बहुत सारे अलग अलग और कंट्रीज एटसेट्रा। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की विच इज कंसर्न्ड विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। के या तो देखिए ये हो सकता है द्विपक्षीय या ये हो सकता है बहुपक्षीय, है ना? इट कैन बी बायलैटरल ऑल्सो और इट कैन बी मल्टीलैटरल ऑल्सो, जहां पे आप दो या दो से ज्यादा देशों के बीच में देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से उनके बीच में कुछ जो है एक्सचेंज हो रहा है। हेंस द सब्जेक्ट इज मेनली रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड। अब ये अपने आप में हमारा एक टॉपिक है जिसको हम आज ही डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के विदिन ये टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है जी? चलिए, तो अब मीनिंग के ही अंदर, इन अदर वर्ड्स क्या बोला जा सकता है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। किस चीज का स्पेशलाइज्ड फील्ड है? इकोनॉमिक्स का, जो डील कर रहा है देशों के बीच में जो आर्थिक रूप से उनकी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है आपस में, अमंग द कंट्रीज, एंड स्टडीज द इफेक्ट ऑफ सच इंटरडिपेंडेंस एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड। देखो, इसका सिंपल सरल भाषा में मतलब ये हुआ कि अगर मान लो तुम चीन से व्यापार कर रहे हो, चीन से व्यापार कर रहे हो और वहां से तुम गाड़ियां बनाने के लिए सेमीकंडक्टर जो है वो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, तो तुम्हारी आर्थिक रूप से डिपेंडेंस है, आर्थिक रूप से तुम्हारी निर्भरता है किसके ऊपर? चीन के ऊपर। आ रही है बात समझ में? तो हो क्या रहा है कि जब भी हम देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से हमारा किसी के साथ जो है व्यापार हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, या फिर हम ट्रेड कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री के ऊपर हो सकता है किसी ना किसी तरीके से क्या है, डिपेंडेंट है।
यहाँ पे हो सकता है मे बी इंडिया, यहाँ पे हो सकता है चाइना, और हम यहाँ से कुछ सामान जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इनको पेमेंट दे रहे हैं। तो इस सब के संदर्भ में ये समझ लो, इस कंटेक्स्ट में ये समझो कि हम सब देश जो हैं, चाहे हम चीन की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, यानी कि अपने नेबरहुड की बात करें, अपने पड़ोस के देशों की बात करें, या फिर हम दूर दराज के देशों की बात करें, चाहे यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर अमेरिकन कॉन्टिनेंट या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो सभी देश आज की डेट में एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो निर्भर जरूर करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड जरूर करते हैं। और उसी चीज की स्टडी जो है वो डोमेन है, वो कंसर्न है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। ठीक है जी, कि हम किस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि ये जो इंटरडिपेंडेंस है, ये जो आपस में इनकी एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर कर रहे हैं, उस सब चीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर और अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ठीक है जी, फिर सब्जेक्ट मैटर देखो। सब्जेक्ट मैटर यानी कि क्या क्या चीजें जो हैं वो पार्ट हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले आपके पास है कि प्योर थ्योरी ऑफ ट्रेड, कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार हो रहा है। ये कंपोनेंट जो है वो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों जो है फॉरेन ट्रेड होना चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या है उसकी, डायरेक्शन क्या है, वॉल्यूम कितना है, कितना सामान आप बेच रहे हो, कितना सामान आप खरीद रहे हो बाकी देशों से, साथ ही साथ डिटर्मिनेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि किन टर्म्स पे, किन शर्तों पे ट्रेड किया जाएगा दूसरे देश के साथ, किन शर्तों पे आप जो है सामान खरीदेंगे और बेचेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को। इसके साथ साथ देखिए कि जो भी इश्यूज हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। वैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के तहत ही हम बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये सब्जेक्ट मैटर का, या जो सब्जेक्ट मैटर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, उसमें पहली चीज जो है वो ये है कि हमें ये देखना है कि ट्रेड या फिर व्यापार दो देशों या दो से ज्यादा देशों के बीच में क्यों हो रहा है। ठीक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले 15 मिनट बाद। फिर दूसरी चीज है हमारे पास पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज या फिर पॉलिसी इश्यूज। पॉलिसी इश्यूज का मतलब ये है कि क्या आपको दूसरे देशों के साथ व्यापार करना चाहिए या फिर आपको कुछ उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। यू शुड इम्पोज सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस एज इन दैट इज फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। देखो, इसका मतलब ये है कि आप जो हो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट क्या इजीली अलाउ कर रहे हो, क्या आप फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलाउ कर रहे हो इजीली, या फिर ऑन द ऑपोजिट साइड आपने कुछ उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं और वहां पे आप अलाउ नहीं करते। ठीक है, वो प्रतिबंधित है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, और आप क्या कर रहे हो, प्रोटेक्शन जो है वो दे रहे हो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, और आप बाहर वाली चीजों को, बाहर वाले सामान को नहीं आने दे रहे इंडिया के अंदर, या यहां से बाहर सामान नहीं भेज रहे। तो वो है ट्रेड वर्सेस या फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन। फिर मेथड्स ऑफ रेगुलेटिंग ट्रेड, कि आप किस तरीके से रेगुलेट करते हो ट्रेड को। साथ ही साथ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्लोज, यूज ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब ये हो जाएगा कि आप कितना जो है कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो। कस्टम ड्यूटी का मतलब कि आप कितने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस चार्ज करते हो, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है जी, फिर इसके साथ साथ सब्सिडीज एंड डंपिंग। सब्सिडीज का मतलब कि आप अपनी जो घरेलू उत्पादन जो है आपका, ठीक है, जो फर्स्ट आपका जो फर्स्ट कह रहा हूं, जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो डोमेस्टिकली, उसके ऊपर क्या आप रियायत दे रहे हो, कोई सब्सिडी दे रहे हो, और अगर आप सब्सिडी दे रहे हो तो फिर आपकी इस सब्सिडी का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये पड़ेगा कि आपका सामान जो है वो सस्ते दाम पे वहां पे अवेलेबल रहेगा, सस्ते दाम पे वहां पे बिकने में वो कंपटीशन को शायद डिस्टॉर्ट भी कर सकता है। साथ ही साथ डंपिंग, क्या आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑब्सोलीट हो गई है, जो सेकेंड क्लास की टेक्नोलॉजी है, उसको क्या आप डंप कर रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में। देन फॉरेन एड, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, वो सारा कुछ। साथ साथ करेक्टिंग डिस इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि मतलब आपका इंपोर्ट बहुत कम है या इंपोर्ट आपका बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट आपका बहुत कम है,
वो सारा कुछ जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट मैटर है। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। चलिए फिर देखिए इसके बाद इंटरनेशनल कार्टल्स एंड ट्रेड ब्लॉक्स, यानी कि जो आपके पास अलग अलग ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं दुनिया भर में, या फिर आप कह लो कि अलग अलग मॉनेटरी यूनियंस हैं, या फिर कस्टम यूनियंस हैं, या ट्रेड ब्लॉक्स हैं, जैसे कि आपके पास क्या है अलग अलग तरीके से आरसीईपी है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, या फिर आपके पास साफ्टा है, साउथ अफ्रीकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, राइट। तो वो सारा कुछ क्या है, अलग अलग तरीके से कंट्रीज जो है एक साथ आके एक ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप कैसे बना लेते हैं कि मान लो 10 देश एक साथ जुड़ गए। अब इन 10 देशों ने क्या तय किया कि हमारे बीच में जो भी ट्रेड होगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होगा, उसको हम टैक्सेस नहीं रखेंगे। कि हम प्रमोट करना चाहते हैं पूरे रीजन या पूरे ग्रुप जो है उसके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं सबके बीच में ट्रेड जो है वो प्रमोट हो। तो उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ठीक है। जैसे तुम्हें सुनने को मिलता होगा कि इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ जो है नेगोशिएट कर रहा है। कोई एग्जांपल बताओ, जैसे आज की डेट में हम किसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, हम यूनाइटेड किंगडम के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है उसको नेगोशिएट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है यूके के साथ जो है बना पाए। तो वो क्या है, इंटरनेशनल कार्टल्स एंड ट्रेड ब्लॉक्स का हिस्सा है, जो कि आपका सब्जेक्ट मैटर है ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फिर हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड ट्रेड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, कि जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय और आपकी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर कह लो वर्ल्ड बैंक, साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अब ये सब क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, जो भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन सबको इन्फ्लुएंस करने के साथ साथ रेगुलेट करने का भी काम करते हैं। क्यों और कैसे, क्यों और कैसे रेगुलेट करने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि सब लोगों ने मिलके, सभी कंट्रीज ने मिलके सहमति दी है कि हाँ भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF है, वो पॉलिसीज जो है वो बना सकता है, और उसके साथ फिर हम अग्री करेंगे, उन पॉलिसीज को हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो जवाब हो गया कि क्यों, कैसे का मतलब या कैसे करता है, अलग अलग रूल्स बना के, रेगुलेशंस बना के, एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट भी करवाता है कि अगर मान लो दो देशों के बीच में या दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको भी सेटल करवाना इनकी जिम्मेदारी है, जैसे IMF हो गया या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में इतनी कि क्या है इसका सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग सब लोगों को जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया। चलिए फिर देखिए, अब ट्रेड पे अगर हम बात करना शुरू करें कि इसका मतलब क्या है, तो देखिए ट्रेड जो है सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक बहुत ही पोटेंट पावरफुल फोर्स है ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी और किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे कंट्री के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रही है और आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हो, बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है आप लोगों के इकोनॉमिक सेंस में रिलेशंस। तो द टर्म ट्रेड मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वेयर्स, मर्चेंडाइज अमंग पीपल। कि एक हो सकता है, देखो ट्रेड दोनों तरीके से हो सकता है। ट्रेड हो सकता है इंटरनल ट्रेड हो कि देश के अंदर विद इन इंडिया, और ट्रेड हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, यहां पे क्या है इंटरनल ट्रेड और यहां पे क्या है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब ये हुआ कि हम देश के अंदर ही जो है हो सकता है कुछ सामान इधर से उधर भेज रहे हैं। जैसे मान लो हो सकता है कि हिमाचल किसी चीज में अच्छा हो सकता है गुजरात किसी चीज में अच्छा हो सकता है राजस्थान किसी चीज में अच्छा हो, या हो सकता है असम अरुणाचल किसी चीज को बनाने में अच्छे हो, तो उस जगह से दूसरे देश में, दूसरे देश के दूसरे कोने में सामान जो है वो पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल उत्कर्ष, इंडियन ट्रेड वॉज एक्सट्रीमली डेवलप्ड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स, बिल्कुल बोल सकते हैं इस बात को हम, और मैं एग्री करता हूँ इस बात से, पॉइंट वेल टेकन।
ठीक है जी। फिर ट्रेड जो है उसके दो टाइप्स जो मैंने आपको समझाया अभी, एक तो हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है इंटरनेशनल। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इंटरनल ट्रेड की, तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो भी राजनीतिक और भौगोलिक जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं उसके विदिन जो है आप ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज विद इन द पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। कि फिर हम बात करेंगे कि हम विद इन द कंट्री, हम भारत के अंदर अंदर ही, भारत के अंदर रहते हुए ही सामान एक जगह से दूसरी जगह जो है वो बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। सो दैट इज द पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, दैट इज ट्रेड विद इन अ कंट्री। इसको दो तीन और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड या फिर इंट्रा रीजनल ट्रेड। देखिए यहाँ पे वर्ड इंटर रीजनल नहीं है, इंट्रा रीजनल है। इंट्रा रीजनल का मतलब ये हो गया विद इन दैट रीजन, विद इन दैट रीजन। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है तो यहां सेम चीज हो रही है, लेकिन यहां पे अब जो ट्रेड हो रहा है वो अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज हो रहा है, यानी कि हो सकता है इंडिया से यूएसए के बीच में, या इंडिया से फ्रांस के बीच में, या फिर इंडिया से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में, है ना। ये जो है इस तरीके से फॉरेन ट्रेड जो है हो सकता है, जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हैं, इंटर रीजनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। वर्ड अब देखिए यहां पे क्या आ गया, इंटर रीजनल, के रीजन के बीच में। इससे पहले क्या था, इससे पहले था आपका देश के अंदर अंदर, है ना, इंटरनल ट्रेड बोल रहे थे। यहां पे अब हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे अब हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अब हम व्यापार जो है कर रहे हैं या फिर खरीद फरोख कर रहे हैं, किसकी, गुड्स की, साजो सामान की। ठीक है, चलिए अब इस टेबल के थ्रू फटाफट एक बार जो है डिफरेंसिएशन देख लेते हैं इंटरनल ट्रेड में और इंटरनेशनल ट्रेड में। तो ये तो बिल्कुल जो है आपका एक देश के अंदर ही हो गया, यहां पे हम अलग अलग कंट्रीज के बीच में, मतलब कि इंडिविजुअल्स हो सकते हैं दूसरे देश के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे हो, दूसरा आपका फर्म्स हो सकती हैं यानी कि आपकी कंपनीज हो सकती हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। There can be companies also, ठीक है, जैसे कि आपकी बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, कंट्रीज में जो अलग अलग कंपनीज हैं, MNCs का नाम यदि आपने सुना हो, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, है ना, तो उनके साथ भी आप डील कर सकते हो। जैसे हम टाटा की बात करें या अदानी की बात करें या और भी किसी बजाज अलायंस की बात करें, वो सब बाहर जाके भी सामान बेचते हैं। एंड सिमिलरली बाहर की कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं, जर्मन कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज हैं, सुजुकी है या फोर्ड है या मान लीजिए फॉक्स वैगन है या और कोई जो जो भी अलग अलग कंपनीज हैं, वो यहाँ पे भी हमारे कंट्रीज में सामान अपना बेच रही हैं। तो वो सारा किसका पार्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट है। फिर लेबर एंड कैपिटल दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, लेकिन विद इन द कंट्री, यानी कि भारत के अंदर अंदर ही हम बात कर रहे हैं। कि हो सकता है कोई व्यक्ति जो है वो उत्तर प्रदेश से, हो सकता है दिल्ली आ जाए या बॉम्बे चला जाए या चेन्नई हैदराबाद चला जाए कुछ काम करने के लिए, है ना, या हो सकता है कि किसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से वो उठ के बेंगलुरु या पुणे आ जाए। तो इस तरीके से एक देश के अंदर ही हम देख रहे हैं लोग जो है मूव भी करते हैं, जो कि आपका फंडामेंटल राइट भी है ना, टू हैव और टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, है ना, और साथ ही साथ टू रिजाइड विद इन और टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। फिर देखो ऑन द अदर साइड इंटरनेशनल ट्रेड में, लेबर एंड कैपिटल डू नॉट मूव इजिली फ्रॉम वन नेशन टू अनदर, ये थोड़ा सा दिक्कत भरा है, डू नॉट मूव इजिली। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें देखने को मिलता है कि एक देश से दूसरे देश यदि आपको मूव करना है तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें देखने को मिलते हैं, कुछ प्रतिबंध हमें देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरी बात कि देर विल बी फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिंस देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर हम अंडर अपने ही कंट्री के अंदर बात करें तो अब तो हमारे पास वैसे भी काफी फ्री मूवमेंट है, देश के अंदर ही व्यापार जो है आप आसानी से भी कहीं सामान जो है वो बेच सकते हैं, किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट या किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरे
यूनियन टेरिटरी, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक राज्य से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में भी। फिर गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट इजीली मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर सिंस देयर आर अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लाइक टैरिफ्स एंड कोटास। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक देश से दूसरे देश, मान लीजिए आप यहां से अमेरिका सामान भेज रहे हैं, तो हो सकता है अमेरिका उसके ऊपर कोई अतिरिक्त कर लगा दे, कोई एडिशनल टैक्सेस लगा दे। अब अगर एडिशनल टैक्सेस लगाएगा तो आपका सामान अमेरिकन लैंड में या अमेरिका के अंदर महंगा हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका सामान जो है वो कंपेटिटिव बचे एंड लोग उसको वहां पे खरीदना पसंद करें, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रही है। कोटा का मतलब ये है कि वो एक सर्टन क्वांटिटी ही अलाउ करें कि भाई इतनी क्वांटिटी जो है हम अलाउ करेंगे, इस क्वांटिटी के बाद हम जो है अलाउ नहीं करेंगे ट्रेड, ठीक है। फिर देयर इज ओनली वन कॉमन करेंसी। अगर आप इंडिया के अंदर अंदर ही डील कर रहे हो तो आपको पेमेंट जो है वो किस में चाहिए, रुपीज में। आप कुछ भी सामान खरीदो उसके लिए आप रुपीज में पेमेंट कर सकते हो, लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जा रहे हो तो फिर आपके पास बहुत सारी अलग अलग करेंसीज आ जाएंगी, जैसे कि आपके पास डॉलर का यूज आ जाएगा, आपके पास हो सकता है यूरो का यूज आ जाए, आपके पास हो सकता है पाउंड, येन, युआन, इन सब का यूज आ जाए, आपके पास हो सकता है ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड का यूज आ जाए। कहने का मतलब है कि जिस भी देश के साथ आप व्यापार कर रहे हैं उस देश की करेंसी फिर आपको चाहिए। यदि मान लीजिए आप अमेरिका से सामान मंगाना चाहते हैं तो आपके पास डॉलर होने चाहिए उनको पे करने के लिए। यदि आप मान लीजिए यूके से सामान मंगाना चाहते हैं तो आपके पास पाउंड होने चाहिए। मतलब मोटा मोटा कहने का ये है कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डील कर रहे हैं तो आप जिस भी देश, जिस भी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं उसकी करेंसी आपके पास होनी जरूरी है, नहीं तो फिर आप वहां से चीज सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते। फिर अगली बात कि फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री आर मोर और लेस सिमिलर, कि काफी हद तक जो भी फिजिकल और हमारे पास ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं वो एक देश के अंदर अंदर मोटे मोटे तौर पे सिमिलर होती हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं तो ये जो है हमें देखने को मिलता है कि समानता नहीं है, देर आर डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द टू कंट्रीज। तो जरूरी नहीं है कि वो आपस में जो है ट्रेड करने में उतने सक्षम हो या सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। फिर ट्रेड एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस आर मोर लेस द सेम, यानी कि जिस तरीके से आप रेगुलेट करते हैं ट्रेड को, जो भी आपके लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपके कंट्री के अंदर तो काफी हद तक जो है वो सेम रहेंगे, राज्यों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर शायद ना देखने को मिले। लेकिन जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ट्रेड और फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो हैं वो काफी डिफर कर सकती हैं, काफी अलग अलग हो सकती हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में आपको चुनौतियां देखने को मिलेंगी कि आप कैसे जो है सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, कितना सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, किस दाम पर खरीदेंगे, बेचेंगे, कितना उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा, कितना कर लगेगा, वो सारे फैक्टर्स जो है यहाँ पे बीच में फिर आ जाएंगे एज चैलेंजेस। देन देयर इज नो डिफरेंस इन पॉलिटिकल अफिलिएशंस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज विद इन द कंट्री, यानी कि इंटरनल ट्रेड के अंदर। लेकिन सेम चीज को जब हम देखते हैं कहां पे, सेम चीज को जब हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, तो यहां पे काफी ज्यादा हमें अंतर देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। दे आर प्रोनाउंस्ड इन पॉलिटिकल अफिलिएशंस, हैबिट्स, कस्टम्स ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है हम जो चीज प्रेफर करें वो बाहर वाले लोग प्रेफर ना करें और हमें वो शायद प्रोवाइड ना करें, तो अंतर आ सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड इतनी आसानी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं बिटवीन इंटरनल ट्रेड, या कंपैरिजन देखने को मिल रहा है बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग बशीर, अभी ज्वाइन किया एक बच्चे ने। और हाँ, राहुल पूछ रहे हैं इन विच करेंसी करंटली इंडिया डील्स विद और इंडिया ट्रेड्स विद रशिया। देखिए, रशिया के साथ हम रुपए में, हमारी जो उनके साथ सहमति हुई है कि रुपए में हम रशिया के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ एक कंट्री के साथ अंडरस्टैंडिंग है, जरूरी नहीं है कि बाकी कंट्रीज जो हैं वो भी सहमत हो इस चीज के लिए कि आपकी डोमेस्टिक करेंसी में वो आपके साथ ट्रेड करने के लिए अग्री कर जाएं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। सो अब हमें फायदा क्या है, हमें गेन्स क्या है फ्रॉम
इंटरनेशनल ट्रेड के, यदि हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो उसके पीछे मकसद तो चलो जो है, लेकिन हमें उससे मुनाफा क्या है, हमें उससे परसीव्ड बेनिफिट्स क्या है, हमें उससे फायदा क्या है। तो देखो, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक कंट्री को हेल्प कर सकता है टू एक्सपोर्ट इट्स सरप्लस गुड्स। यानी कि मान लो अगर इंडिया जो है वो किसी चीज या किसी सामान को एक्सेस में बना रहा है, हम काफी ज्यादा मात्रा में उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हम डोमेस्टिक उसकी देख रहे हैं जो प्रोडक्शन है वो कैसी है, एक्सेस में। तो वेस्टेज से, बर्बादी से अच्छा ये है कि हम उसको बाहर बेचना स्टार्ट कर दें, हम उसको एक्सपोर्ट कर दें। तो एक तो ये फायदा हो सकता है। दूसरा, टू सिक्योर अ बेटर मार्केट फॉर इट, यानी कि आपकी मार्केट में तो ये अब एक्सेस में है, या फिर कह लीजिए सरप्लस में है, आप एक दूसरी नई मार्केट में जहां पे ये सामान शायद अवेलेबल ना हो या उतनी मात्रा में मौजूद या अवेलेबल ना हो, उस मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहां पे अपने इस एक्सेस या सरप्लस सामान को इजीली सेल कर सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो अर्न प्रॉफिट्स। तो ये सबसे पहला एक बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। दूसरी चीज इसके साथ साथ, सिमिलरली इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स द कंट्री टू इंपोर्ट द गुड्स विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस एट ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो जापान जो है, एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं कि जापान के पास सिल्क नहीं है, जापान डज नॉट हैव एनी सिल्क प्रोडक्शन, लेकिन इंडिया में हम देखते हैं कि सिल्क की प्रोडक्शन हम अच्छी करते हैं, हम सिल्क जो है वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पास ऐसे स्किलफुल या फिर स्किल्ड वर्कर्स भी हैं जो स्किल रखते हैं कि सिल्क से कपड़ा या सिल्क का कपड़ा, सिल्क पे क्लोथ कैसे बनाने हैं। मे बी इट कैन बी, मान लो साड़ी, कि सिल्क की साड़ी हमारी बहुत फेमस है, जापान शायद उतनी अच्छी ना बना पाए, ठीक है, हो सकता है जापान बना ले, लेकिन जरूरी नहीं है कि जापान उतनी अच्छी बना पाए। तो यहां पे ये हो सकता है कि जापान हमसे जो है उस चीज को इंपोर्ट कर ले, कि जापान हमसे उस चीज को इंपोर्ट कर ले, तो जापान को फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि जापान शायद इस चीज को नहीं प्रोड्यूस कर सकता था और दिक्कत भरा काम था, उनको चाहिए तो वो हमसे जो है ले सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद बनाने जाते तो शायद उनकी कॉस्टिंग या फिर उनको ज्यादा खर्चा वहां पे करना पड़ता, ठीक है जी। आ रही है बात समझ में? हाँ, उत्कर्ष लिख रहे हैं, इट सीक्स टू एनेबल इंडिया टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कीपिंग इन स्टेप विद द रैपिडली इवॉल्विंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग। यस, बिल्कुल सही। एंड आर्किटेक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक ट्रेड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एब्सोल्युटली पॉइंट टेकन उत्कर्ष, कि बिल्कुल आज की डेट में अगर तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छा खासा प्रेजेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। आइसोलेशन में कोई भी कंट्री ग्रो एंड डेवलप नहीं कर सकता, आज की जो सिचुएशंस हैं, आज की जो इंटरलिंकेजेस हैं अलग अलग देशों और अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। तो सबसे पहला फायदा हमारे पास है एफिशिएंट प्रोडक्शन। एफिशिएंट प्रोडक्शन का मतलब ये है कि जो भी कंट्री जिस चीज में ज्यादा सक्षम है, ज्यादा बेहतर है, वो उस सामान को बनाए और बाकी अर्थव्यवस्थाओं को, बाकी देशों को सप्लाई कर दे, बेच दे। तो दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड एनेबल्स ईच पार्टिसिपेटरी कंट्री, के जो भी वहां पे भागीदार देश है, टू स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन विच इट हैज एब्सोल्यूट और कंपेरेटिव एडवांटेजेस। जैसे कि अगर मान लो गल्फ कंट्रीज के पास तेल के कुएं हैं, तो भाई वो कच्चा तेल वही निकाल सकते हैं। मैं कच्चा तेल यहां बैठ के पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में नहीं निकाल सकता, तो उसके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। किसके पास? गल्फ कंट्रीज के पास, कि वो वहां पे कच्चा तेल जो है उसके रिसोर्स संसाधन है उनके पास। आ रही है बात समझ में? तो हो क्या रहा है कि जिस भी कंट्री की, जैसे मान लो अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो इन गल्फ कंट्रीज के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे कि ऑयल हो गया, तो यहां इनके पास एक एब्सोल्यूट सेंस में एडवांटेज है, ठीक है। अब मैं इनसे जो है इस चीज को इंपोर्ट कर सकता हूं,
ठीक है, ये तो हो गया एग्जाम्पल एब्सोल्यूट एडवांटेज का। दूसरा एग्जाम्पल देखो जहां पे एक रिलेटिव एडवांटेज है, यानी कि करने को तो हम भी कर सकते हैं उस काम को, लेकिन शायद जापान ने अच्छा खासा पैसा लगाया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जापान के पास शायद न्यूक्लियर रिएक्टर्स वाली टेक्नोलॉजी बेहतर है बाकी देशों से, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जापान से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी और देश ने कर रखा है और मैं ये देख रहा हूं कि आज की डेट में मुझे चाहिए वो टेक्नोलॉजी, तो मैं वहां से इंपोर्ट करके ले आऊंगा, क्योंकि उस देश के पास वहां पे क्या है, रिलेटिव एडवांटेज है, रिलेटिव एडवांटेज है। आ रही है बात समझ में? ये दो बातें समझ में आई, जल्दी से एक बार थम्स अप बना के बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि एक है एब्सोल्यूट सेंस में एडवांटेज और एक है रिलेटिव सेंस में एडवांटेज। एब्सोल्यूट सेंस में एडवांटेज वहां पे है जहां पे कोई मान लो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं या फिर कोई ज्योग्राफिकल ऐसी लोकेशन है जहां पे वो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो शायद आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो चीजें नहीं मौजूद हैं, तो आप दूसरे देश से ले सकते हैं। रिलेटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि काम आप खुद भी अगर करना चाहें तो वो आप खुद भी गुड्स सामान जो है वो बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के पास थोड़ी ज्यादा एडवांटेज है या फिर कह लीजिए उसने वो काम बेहतर कर रखा है और पहले कर रखा है, तो वहां पे आपको लगेगा कि आप उस कंट्री से जो है उस चीज को ले लें एंड खुद जो है उसमें टाइम शायद या रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। ठीक है जी, दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट। देन द सेकेंड बेनिफिट इज इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइसेस बिटवीन द कंट्रीज। अब देखो इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड शायद जो है प्राइस को तकरीबन बराबर करने में मदद करे इन ऑल द ट्रेडिंग कंट्रीज, कि जो भी गुड्स को हम बेच रहे हैं खरीद रहे हैं देशों के बीच में वो इक्वलाइज हो जाए। हालांकि तुम्हारी किताब एनसीईआरटी की खुद कह रही है कि वास्तविकता में ऐसा हुआ नहीं है, ये ज्यादा बात जो है हम किस संदर्भ या किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, हम कर रहे हैं थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से, कि थ्योरी में ये बात जो है ज्यादा सही लगती है, प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ नहीं, सही मायनों में रियल ग्राउंड सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा द डिफरेंस इज ओनली विद रिगार्ड टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि मान लो अगर ये पेन मैं यहां बना के अमेरिका भेज रहा हूं बेचने के लिए, तो जितने का यहां बेच रहा हूं उतने का ही अमेरिका में बेचूंगा, सिर्फ एक ही अंतर आएगा, वो होगा ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट लग रही है उस चीज का। तीसरा, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो इक्वलाइज्ड, यानी कि इस पेन को प्रोड्यूस करने में जो लेबर लगा, जो एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट आया, लेबर का वेज गया, कैपिटल का इंटरेस्ट गया, लैंड का रेंट गया, वो चाहे यहां हो चाहे मान लो जो अमेरिका का एग्जाम्पल लिया था, दोनों ही जगहों पे इक्वलाइज हो जाएगा ट्रेड की वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से। पर ये भी रियल लाइफ में ऐसा नहीं हुआ या ऐसा कभी भी हमें प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलता। हाँ, थ्योरी में हम बोल सकते हैं कि थ्योरेटिकली अगर बात की जाएगी तो ठीक है, हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से हमें ये एक बेनिफिट या फायदा हो सकता है। ठीक है जी, तो दैट इज द सेकंड बेनिफिट। फिर देखो अगली चीज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स मटीरियल। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई, समझो इस चीज को, कि देखो पहले ही हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, ये इसको मैं पूरे स्क्रीन पे समझा देता हूं। देखो इस पॉइंट का यहां पे मतलब ये है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, के जो हमारे पास इकोनॉमिक्स का मेजर कंसर्न था, जो हम पहली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कि जो सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग या दुनिया भर के लोग इकोनॉमिक्स का, उसका मेन कंसर्न ये है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ये सीमित मात्रा में ही हमारे पास जो है उपलब्ध हैं, यानी कि ये समय के साथ साथ हो सकता है कुछ ऐसे भी हैं जो खत्म हो जाएंगे, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जैसे कि हम बोलते हैं जो तुम्हारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करते हुए मुझे कोशिश ये करनी है कि जो भी ह्यूमन बींग्स की वॉन्ट्स हैं,
ह्यूमन बीइंग्स की जो भी नीड्स हैं, डिजायर्स हैं या वांट्स हैं, नीड्स डिजायर्स, या मैं बोल सकता हूं जो भी उनकी वांट्स हैं, इन सभी जरूरतों को मुझे, इन सभी ह्यूमन बीइंग्स की जरूरतों को मुझे क्या करना है, मुझे सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है। अब मेरे सामने चुनौती क्या है, मेरे सामने चैलेंज क्या है? मेरे सामने चैलेंज ये है कि मैं इन सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हुए इन सभी इंसान की जरूरतों को कैसे पूरा करूं, कितने सक्षम रूप से मैं इनको पूरा करूं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि देखो यहां पे समझो इस चीज को कि जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज हैं, इंडिविजुअल नेशंस हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं जो है किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने में उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है, कि मान लो मैं सेमीकंडक्टर शायद उतने अच्छे नहीं बना सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी दूसरे देश से, बाहर से मंगा लूंगा जो बेहतर रूप से बना सकता है मेरे कंपैरिजन में। तो वहां पे होगा क्या कि जो रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, वेस्टफुल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, कि उसको मैं सही रूप से उसका प्रयोग करूं, मैं उसकी बर्बादी ना करूं, मैं उस रिसोर्स को प्रिजर्व करके रखने की कोशिश करूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं उस रिसोर्स को वहां पे वाइजली यूज करूं, प्रूडेंटली यूज करूं, समझदारी के साथ यूज करूं। तो इस रिसोर्स को या तो मैं, हो सकता है कि इसको एक्स्ट्रा कंज्यूम करूं अगर मैं खुद उस सामान को बनाने की कोशिश करूं, कि मैंने एक्स्ट्रा जो है इसकी क्वांटिटी कंज्यूम कर दी और शायद कुछ वेस्ट भी कर दी, तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं अपने इस चैलेंज को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड हमें इस चीज की अनुमति देता है, इंटरनेशनल ट्रेड हमें इस चीज की सहूलियत या फिर कह लीजिए फायदा पहुंचाता है कि आप अपने संसाधनों, जो कि सीमित संसाधन है, उनको आप बर्बाद ना करते हुए किसी दूसरे देश से सेम चीज को, उस सेम सामान को जो है ला सकते हैं और अपनी संसाधनों की बचत आप कर सकते हैं। सो दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर्स मटेरियल्स, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प द ट्रेडिंग कंट्रीज टू हैव इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज, किसकी, जिसके पास थोड़ा कम है वो दूसरे को दे सकता है जिसके पास थोड़ा ज्यादा है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? चलिए फिर देखिए, इसके बाद हमारे पास एक और बेनिफिट है, जनरल एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जनरल एडवांटेजेस का मतलब ये है कि अवेलेबिलिटी आपके पास रहेगी ऑफ अ वैरायटी ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन। हाँ जी, गुड इवनिंग जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। देखिए, वैरायटी ऑफ गुड्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारे अलग अलग चीजों के सामान या अलग 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 तरह की चीजें हम अपनी अर्थव्यवस्था में ना बना पाए, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम बाकी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी चीजों को। तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीजें जो है हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ये एक फायदा है फॉरेन ट्रेड करने का कि आपके पास वेराइटी जो है सामान की वो इंक्रीज कर जाएगी, वेराइटी ऑफ गुड्स विल इंक्रीज। लेकिन ये वैरायटी तभी इंक्रीज करेगी जब आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज हो सकता है कि आप सब कुछ जो है वो ना बना पा रहे हो, बहुत सारी चीजें जो है वो आपके, आप बनाने में असक्षम हो। ठीक है, तो ये एक पहला एडवांटेज हमें देखने को मिल सकता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन। देखो इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी हमारे देश के लोग हैं उनको हो सकता है कि कुछ चीजें जो हैं वो बाहर की क्वालिटी की ज्यादा अच्छी लगती हों, या किसी किसी देश से वो इंपोर्ट करके उस चीज को यूज करना चाहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ये चीज जो है मुहैया करवा सकते हैं, यू कैन गेट दीज थिंग्स अवेलेबल, यू कैन मेक दीज थिंग्स अवेलेबल टू योर डोमेस्टिक पॉपुलेशन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जनरेशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो इसको समझना थोड़ा सा तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ कि रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे। देखो अगर मान लो इंडिया जो है वो बाहर के कंट्रीज को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है,
हम सप्लाई कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज को, गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि अपनी खुद की इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इन गुड्स को प्रोड्यूस भी तो कर रहे होंगे, हम इनको बना भी तो रहे हैं डोमेस्टिकली। अगर हम इनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी ना किसी लेबर को तो मैंने हायर करके उसको एम्प्लॉय किया होगा, या फिर उसको जॉब पे रखा होगा। तो अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, एक्सपोर्ट्स मेरे बढ़ रहे हैं, या मैं अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करता हूं फर्दर लेवल पे, तो उसका मुझे फायदा ये मिलेगा कि मैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता हूं, क्योंकि जो सामान मैं बाहर बेच रहा हूं वो मुझे बनाना पड़ेगा, वो मैं जब बनाऊंगा तो उसकी वजह से मेरी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रोजगार के अवसर और ज्यादा पैदा होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा क्रिएट होंगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी। तो दैट विल बी द सेकेंड बेनिफिट या फिर जनरल एडवांटेज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, फिर इसके साथ साथ अगला बेनिफिट हमारे पास है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड नेशंस। देखो इससे फायदा क्या होगा, जब आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें आप बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उसका भी फ्लो हो रहा है वन कंट्री टू अनदर। इसके साथ साथ आप कैपिटल के फ्लो की भी बात कर रहे हैं, यानी कि आप मनी के फ्लो की भी बात कर रहे हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट के फ्लो की भी बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के फ्लो की भी बात कर रहे हैं। इस सब से क्या होगा, उस कंट्री में जहां पे शायद अभी इंडस्ट्री उतनी ना हो, उसकी भी इंडस्ट्री ग्रो करना स्टार्ट कर सकती है, कि अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। यदि मान लीजिए एक्सपोर्ट कर रहा है तो एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी खुद की इंडस्ट्री से प्रोड्यूस करेगा और बाहर सामान बेचेगा। यदि मान लीजिए इंपोर्ट कर रहा है तो सीख भी सकता है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके, जो बेसिकली तुम समझ लो चाइना ने सारा काम किया, कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने बाकी सभी देशों से सीख लिया कि किस तरीके से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेटर प्रोडक्शन जो है वो करके मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। तो दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड नेशंस, यहां पर भी मदद करेगा इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। फिर देखो इससे अगली जो चीज है हमारे पास, इंप्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स अमंग कंट्रीज, हाउएवर इन रियलिटी इट हैज नॉट हैपेंड। लेकिन इस चीज को हम एक मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं कि इन रियलिटी इट हैज हैपेंड और इट हैज नॉट हैपेंड कैन बी अ सब्जेक्ट टू, और कैन बी यू नो इट कैन बी अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन देखो यहां पे क्या है परेशानी, या यहां पे क्या है हमारे पास चुनौती, कि जब जो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं आपस में, अगर तो वो हेल्दी कंपटीशन करते हैं तो फिर उनके संबंध जो है वो बेटर हो सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं, साथ साथ कह लो कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कोऑपरेशन भी है उनके बीच में, तो फिर इस ट्रेड की वजह से रिलेशंस जो हैं, आपसी संबंध जो हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अलग अलग देशों के बीच में, दीज रिलेशंस विल इंप्रूव। हाँ, लेकिन अगर ये हेल्दी कंपटीशन नहीं है, अगर आप किसी तरीके के ट्रेड वॉर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर आप अननेसेसरीली प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर ये रिलेशंस जो हैं ये ऑपोजिट वाली बात हो जाएगी जो यहां पे किताब ने लिख रखा है, कि ये इंप्रूवमेंट जो है रिश्तों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं देखने को मिलेगी हमें, तो वो उलट बात भी हो सकती है। देखो इसको इस तरीके से समझ लो कि ये एक तरीके से दोधारी तलवार है, इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, आइदर इट कैन रिजल्ट इन इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ऑन द अदर हैंड इट कैन ऑल्सो एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वेयर बाय इट विल बी यू नो deteriorating or it might lead to the deterioration of ties between different countries, क्योंकि बीच में जो है आपसी संबंध जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब हो जाए। ठीक है जी, so that is the next point. फिर अगले अगर चीज की बात करें, एक मिनट, हाँ, division of labor and specialization. देखो ये एक अच्छा point है, ये वाला अच्छा point क्यों है, कि अगर मान लो किसी एक particular country से तुम कुछ import कर रहे हो
और उस पर्टिकुलर कंट्री की वहां पे स्पेशलाइजेशन है या फिर कह लो एक्सपर्टीज है। तो अगर उस कंट्री की वहां पे स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्टीज है, तो वहां पे डिविजन ऑफ लेबर है और स्पेशलाइजेशन है, मतलब कि वो उस काम को कम पैसों में, कम कॉस्ट में बेटर तरीके से कर रहा है। एंड क्यों कर रहा है? क्योंकि रिपीटेडली वो उस काम को ही कर रहा है। जैसे मान लो अगर मैं ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूस कर रहा हूं या ऑटोमोबाइल इंजन्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है, जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास जर्मनी, या फिर इवन ऑटोमोबाइल इंजन्स में वी हैव जापान, जिसका एक एग्जांपल टोयोटा हो सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये कंट्रीज जो हैं, ये स्पेशलाइजेशन रखते हैं, एक तरीके से कह लो अच्छे खासी एक्सपर्टीज रखते हैं इस पर्टिकुलर सामान को बनाने में। तो अब यहां पे क्या है कि ये डिविजन ऑफ लेबर को प्रमोट करेगा, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करेगा, एंड इवन फर्दर इंप्रूवमेंट्स को प्रमोट करेगा कि लोग जो हैं यहां पे और ज्यादा इनोवेट कर सकें और ज्यादा बेहतर चीज के साथ उसी चीज में और बेहतरी करके और उसकी क्वालिटी को अच्छा बना सके, ठीक है। सो दैट इज डिविजन ऑफ लेबर, कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, कि अगर मान लो वो कंपनी जो है वो ऑटोमोबाइल इंजन बना रही है या कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहा है या फिर कोई सिल्क साड़ीज बना रहा है या फिर कोई सेमीकंडक्टर चिप्स बना रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो हर एक की जहां पे एक्सपर्टीज है, स्पेशलाइजेशन है, वहां पे डिविजन ऑफ लेबर जो है वो हो सकता है, ठीक है जी। आ रही बात समझ में? फिर इसके साथ साथ एक्सपेंशन या फिर बढ़ोतरी हो सकती है इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज क्यों? क्योंकि अगर आपको गुड्स या फिर हम जो ट्रेड की बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड में हम किसकी बात कर रहे हैं, गुड्स की, तो वो गुड्स को आपको जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट आप कर रहे हैं तो उससे डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है, वो टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन को भी वहां पे बूस्ट मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, एक्सपेंशन होगा ट्रांसपोर्टेशन का, जो कि हमें देखने को भी मिला है कि हम अगर ग्लोबली देखें वैश्विक स्तर पर, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की, तो ग्लोबली या फिर वर्ल्ड लेवल पे हमें देखने को मिलता है कि आपकी चाहे शिपिंग इंडस्ट्री हो या फिर आपका शिपिंग कार्गो इंडस्ट्री, बेसिकली पैसेंजर शिपिंग नहीं, कार्गो है ना, या फिर आपका एयरवेज हो, चलो एयर से उतना नहीं करते, बहुत महंगा पड़ता है, बट स्टिल, या फिर आपका अगर हम जहां जहां पे भी पॉसिबल है रोड ट्रांसपोर्टेशन, एंड इसके साथ साथ आपका रेल ट्रांसपोर्टेशन, जहां जहां पे भी कनेक्टिविटी अवेलेबल है ना, क्योंकि अदरवाइज इट इज हैपनिंग थ्रू द पोर्ट्स या फिर थ्रू द ओशंस एंड सीज, है ना, समुन्द्र के रस्ते से, पानी के रस्ते से शिपिंग वाला कार्गो जो है हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हर एक रूप से आप ये देखो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो हैं वो इंप्रूव हुई हैं, उनका एक्सपेंशन जो है दुनिया भर में हमें देखने को मिला है। तो दैट इज अनदर एडवांटेज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड के, आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से ये एक और आपको फायदा जो है वो पहुंचेगा, ठीक है। हां जी भाई, ईपीएफओ वाले बच्चे भी देख सकते हैं, जो बच्चे ये पूछ रहे हैं ना, ये ईपीएफओ के लिए बेनिफिशियल है, भाई बिल्कुल बेनिफिशियल है। देखो मैं हर बार बोलता हूं कि एनसीआरटीज जो हैं, चाहे तुम यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम आईएएस की परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुम स्टेट सिविल सर्विसेज उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुम यूपीएससी के किसी और पेपर के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, तो एनसीआरटीज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है भाई। खुद भी मेहनत कर लोगे तो घिस नहीं जाओगे, लेक्चर अटेंड करके खुद अगर उसके बाद पढ़ लोगे एनसीआरटी खोल के या तमिलनाडु की किताब खोल के पढ़ लोगे, तो उससे कुछ नुकसान नहीं है, उससे तुम्हें फायदा ही पहुंचने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहां तक आई होप समझ में आ गया। हाँ हाँ जी, गुड इवनिंग जिन लोगों ने अभी बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, तो भाई गुड इवनिंग पारम, गुड इवनिंग नीरज। चलिए ठीक है, तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई कि ये सारे थे जनरल एडवांटेजेस। अब देखो इसके बाद हमारा जो कंसर्न है वो हमने डिस्कस करना है, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, साथ में हमें डिस्कस करना है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसके साथ साथ क्योंकि हम करेंसीज के एक्सचेंज की भी बात कर रहे थे, डॉलर एंड रूपी के एक्सचेंज की या अलग अलग करेंसीज के एक्सचेंज की बात कर रहे थे, तो फिर हमारा टॉपिक इसी के अंदर चलेगा, एक्सचेंज रेट।
ठीक है, और उसके साथ साथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, वो सारा कुछ हमारा टॉपिक जो है इसी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का ही कंसर्न है, ये सारे हमारे टॉपिक्स। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के साथ फिर कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर जो है तुम सबको समझ में आ गया, आज का लेक्चर जो है वो क्लियर है सभी लोगों को। अगर आज का लेक्चर जो है सभी लोगों को क्लियर है तो बस एक ही दरख्वास्त है, एक ही रिक्वेस्ट है कि जाते आते इस लेक्चर को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में। बस बाकी तो हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। चलिए ठीक है, सो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सवाल आते हैं पेपर में, स्पेशली आपके जो मेंस वाला एग्जामिनेशन है वहां पे। ठीक है, वैसे कि वैसे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके सवाल तुम्हें प्रीलिम्स में भी देखने को मिलते हैं अगर हम यूपीएससी की आईएएस की परीक्षा की बात करें, बट इसके साथ साथ मेंस में भी हमें सवाल देखने को मिलते हैं। उसका रीजन यही है कि इंटरनेशनल या फिर राष्ट्रीय सॉरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है वो और विकसित और एक बेहतर जो है प्रगतिशील से प्रगति की तरफ जो है बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एंड उसमें हमें चाहिए कि हम और ज्यादा कंट्रीब्यूट करें, एक्सपोर्ट्स को अपने इंक्रीज करें, जिसके लिए तुम्हें देखने को मिल रहा है सरकार बहुत सारी पॉलिसीज चला रही है, इंक्लूडिंग यू नो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहां पे हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है इम्पोर्ट थोड़ा अगर कम कर पाए तो, अगर हम इम्पोर्ट थोड़ा कम कर पाए तो उससे हमारी डिपेंडेंस, हमारी जो निर्भरता है दूसरे देशों पे वो थोड़ी कम हो जाएगी, राइट। लेकिन हम थोड़ा पैसा ज्यादा कमाएं अगर हम एक्सपोर्ट अपने बढ़ा दें तो। ठीक है जी, चलिए, सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जय भारत, जय अखंड भारत।